सबर और दुआ का दामन कभी मत छोड़ना। तुम उस खुदा के बंदे हो जो 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करता है। वो वक्त भी बदलेगा और हालात भी। जैसे मैंने अपनी वाइफ से कह दिया था कि देख भैया, अगर तुम मुझसे शादी करेगी दो ही संभावना है, या तो तुम राज करोगे या भीख मांगोगे। नौकरी तो हमसे ना हो पाएगा। किस्मत में ना सही दिल में तो हमेशा रहोगे, वो कहते हैं ना कुछ कहानियां बिना अलविदा के ही खत्म हो जाती है। अगर सच कहूं तो लड़कियों से ज्यादा मैं पैसों पे मरता हूं। मैं दुनियादारी से ताल्लुक इसलिए कम रखता हूं, मैं 100 बार भी गिरूं ना तो 100 बार उठना कदम रखता हूं। अपनी तकलीफें किसी को बताकर मजाक बनने से बेहतर है किसी कोने में अकेले बैठकर रो लूं। बस खुद का ही साथ सच्चा है, बाकी साथ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत किया करो। आप तुमने रास्ता बदल लिया और हमने मंजिल ही बदल ली। सबको लग रहा है कि मैं हार रहा हूँ, पर उन्हें क्या पता कुछ बड़े की तैयारी कर रहा हूँ। और हम उन परिंदों को खुद उड़ा देते हैं जिन्हें हर किसी के साथ उड़ने का शौक हो। और तेरी औकात से ज्यादा बड़े शौक है मेरे, किसी के जाने से मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दीवाने बहुत है मेरे भाई। जब लोग तुम्हारे स्टोरी को देख के लाइक करना बंद कर देना तो समझना जल रही है सालो। बस इतना काबिल बनना है कि लोग हमारी नकल तो कर सके लेकिन बराबरी नहीं। ये दुनिया भी अजीब है, ज्यादा खुशी हो तो भी आदमी रोता है, ज्यादा गम हो तो भी रोता है। ये वो कमबख्त जहान है जहाँ खुशी का इजहार भी आंसुओं के साथ होता है। मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, दिल लगाने को अभी सारा जहां बाकी है। किसी से बदला लेकर क्या ही फायदा, जो पत्ते खराब होते हैं वो अक्सर पेड़ों से खुद ही गिर जाया करते हैं। ताकत डिग्री में नहीं होती, ताकत व्यक्ति में होती है। डिग्रियां हमारा साधन है, साध्य नहीं है। जिंदगी जिए, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको जीना बड़ा जरूरी है और जीने के लिए आपको हंसना पड़ेगा। पूरी दुनिया में एक ही शख्स है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है और वो आप खुद हैं। तेरा घमंड भी तुझे हराएगा। मैं क्या हूँ तुझे वक्त ही बताएगा। दोस्त ऐसा बनाऊ मेरे भाई जो हाथों में सिगरेट नहीं डंबल पकड़ाए। माहौल ही तो बनाना है। नाम तो हमारा कल भी चर्चे में था और आज भी चर्चे में है। किसी के चेहरे की सराफत देख के उसे शरीफ मत समझा करो मेरे दोस्त, क्योंकि वो बड़े खामोशी से बड़े बड़े कांड किए रहते हैं। जस्ट फोकस ऑन योर गोल। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। अकेले खुश रहना सीखो यार, आजकल लोग आदत लगाकर अक्सर अकेला छोड़ जाते हैं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोगों की बातों को दिल से मत लगाना, लोग तो अमरूद खरीदने से पहले पूछते हैं कि मीठे हैं ना, और बाद में नमक लगा के खाते हैं। मत पूछ मेरे नाम की पहचान कहाँ तक है, तू बदनाम कर तेरी औकात जहाँ तक है। मैं अपनी मेहनत से अपना वक्त बदलने का हौसला रखता हूँ। मैं इतना कमजोर भी नहीं कि हालात बीन बजाएं और मैं उनकी धुन पर नाचूं। कलयुग है साहब, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का खेत कोई दूसरा ना चरे तो घर की एक औलाद को सांड बनने दीजिए। के जवानी की तलाश में बचपन गया और कामयाबी की तलाश में जवानी जा रही है।
छोड़ो ना यार, क्या रखा है सुनने और सुनाने में, बस दिन रात एक कर दो अपना कैरियर बनाने में। शाका? हाँ, हमने उसकी अखबारों में तस्वीरें देखी हैं, कई किस्से पढ़े। तो हिंदुस्तान की सरहद के पार भी शाका मशहूर होने लगा। शेर अगर पिंजरे में बंद हो ना पटनायक, तो भौंकने वाले गली गली मिलते हैं। एक बार खुला छोड़ के देखो ना, तुझे बिल्ला बना के नाम लिखवाया तो नाम बदल देना। भाई करोड़ों कमाने का तो पता नहीं, पर रानी बनाकर रखना अपनी माँ को, जो बचपन में हमें राजा बनाकर रखती थी। मर गया जो तेरे प्यार में मरने वाला वो शख्स, अब जो जिंदा है वो दरिंदा है। भले देर से बनो, लेकिन अपनी जिंदगी में जरूर कुछ बनो, क्योंकि ये दुनिया आपके हाल चाल नहीं पूछती, आपकी हैसियत पूछती है, आपकी औकात पूछती है। तुम्हारे लिए इस दुनिया में रिश्ते नाते कुछ नहीं है जब तक तुम कुछ। खुद कमा के खर्च कर रहा हूँ, तुमसे मांग के नहीं उड़ाता, और जिंदगी मेरी है, मैं चाहे जैसे जीऊं, इसमें तुम्हारा और तुम्हारे आदरणीय बाप का कुछ नहीं जाता। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी ना समझे काफिर, गुमनाम समंदर भी खौफ लाता है। अगर दूसरा आपको दर्द देगा तो आप नौकर, और अगर आप खुद को दर्द देते हो तो आप राजा। अब आपको डिसाइड ये करना है कि किसी से बदला लेकर क्या ही फायदा, जो पत्ते खराब होते हैं वो अक्सर पेड़ों से खुद ही गिर जाया करते हैं। सर मुझे किसी से कंपेयर मत करना, ना मुझे किसी की बराबरी करनी है और ना कोई मेरी बराबरी कर सकता है। तू मेरी फिक्र मत कर स्वीट हार्ट, मैं जिम में जाके चेस्ट पे इतना वेट उठाऊंगा कि तेरी यादें जो सीने में महफूज हैं वो वही दम तोड़ के दफन हो जाएगी। आज मेरी जिंदगी में कामयाब होने के लिए मैं जितनी मेहनत कर सकता हूँ रोज करता हूँ। अब उस मेहनत से मुझे कितनी कामयाबी मिलेगी मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि मेरी जिंदगी की डिक्शनरी में ये शब्द कभी नहीं आएगा कि मैंने हार मान ली। अगर लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं इसका मतलब आप जिंदा हैं। अगर लोग आपको पीठ पीछे गाली दे रहे हैं इसका मतलब आपने चमकना शुरू कर दिया है। मैं ऐसे लोगों को छोड़ देता हूं जो समझते हैं कि ये हमारे ताल्लुक का मोहताज है। मैं खुद के साथ खुद खड़ा हूं। भरोसा कम करो लोगों पे, और जिन पे करो तो फिर पूरा दिल से करो, या तो किसी को भाई बोलो मत, अपना बोलो मत, और अपना बोल दिया तो फिर वो अपना है। तो ये चीज है भाई। मेरे भाई हालातों से हारने वाले हम नहीं, आज हवा तुम्हारी है, पर याद रखना कल तूफान हमारा होगा। हम दुनिया से दो कदम पीछे ही सही, मगर खुद के दम पर चलते हैं।